चित्रा सरवारा ने शिक्षा मंत्री को क्यों बोला दिन और स्थान बताएं। देखिए आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का राज्य के सरकारी स्कूल देखने का न्योता स्वीकार करते हुए कहा कि वे हरियाणा के सरकारी स्कूल दिखाने का काम करें। हम हरियाणा के शिक्षा मंत्री का न्योता स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि उनका विधानसभा क्षेत्र जगाधरी है, इसलिए वहां के गांव भेड़थल, महमूदपुर और लक्कड़ भीलपुरा और तारनवाला के स्कूल में से किसी भी स्कूल में वे खुद आने को तैयार हैं। चित्रा सरवारा ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर दिल्ली के शहीद भगत सिंह आर्मी फोर्सेज प्रीपेट्री स्कूल की उपलब्धियों की चर्चा की थी। गौरतलब है कि पहले ही वर्ष आर्मी प्रीपेट्री स्कूल के 76 बच्चों में से 32 छात्रों ने पहले ही वर्ष एनडीए की परीक्षा क्रैक करने का काम किया है। इस पर दिल्ली शिक्षा मॉडल और हरियाणा शिक्षा मॉडल की चर्चा भी हुई थी। इस पर उन्होंने खट्टर सरकार के 10 वर्षों में हरियाणा के स्कूलों की दुर्दशा पर भी सवाल उठाए थे और इस पर हरियाणा की खट्टर सरकार के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भी सवाल उठाए थे और प्रदेश के किसी एक मॉडल सरकारी स्कूल को दिखाने की बात कही थी। कल हमने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जहां अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में एक अनूठी पहल शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल के बारे में सबको बताया और उसकी एक कमाल की उपलब्धि, अपने स्थापना होने के पहले साल के अंदर ही पहले बैच में से उस स्कूल से 50% बच्चों ने नियरली एनडीए का एग्जाम क्रैक कर लिया, इस उपलब्धि को सबसे साझा किया था। तो हमने हरियाणा सरकार से और खासतौर पे हरियाणा के स्कूल के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी से कुछ सवाल करे थे कि 10 साल में आपके अपने कार्यकाल में आपने क्या किया है, कौन सी डेवलपमेंट करी है और कोई एक स्कूल आप हमें दिखा दीजिए जिस पे आपको गर्व हो, जिसे आप कह सके ये हमारी उपलब्धि है, यहाँ के रिजल्ट्स देखिए। हमने इस चैलेंज के साथ साथ उन्हें एक न्योता भी दिया था कि आप एक बार दिल्ली आकर हमारे स्कूल भी देखिए। तो कंवरपाल गुर्जर जी ने हमारा चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने कहा है कि हम आकर उनके यहाँ कोई भी स्कूल देख सकते हैं, उन्होंने हमारा न्योता एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि मैं आपका न्योता स्वीकारती हूँ, आशा है आप इसे वापस नहीं लेंगे। और आपने शिक्षा मंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट करी होगी, तो जाहिर है सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आपके अपने गृह क्षेत्र में होगी, तो क्यों ना हम आपके जगाधरी में ही कोई स्कूल देख लें। जौन सा स्कूल भी आप दिखाना चाहें तो कुछ स्कूलों के नाम भी हमारे पास हैं, जैसे भेड़थल, महमूदपुर, लाकड़ भीलपुरा या तारणवाला के अंदर से आप कौन सा स्कूल दिखाना चाहेंगे आप बता दीजिएगा, आप दिन और स्थान निर्धारित कर दीजिए, मैं जरूर आऊंगी और मैं आने का इंतजार भी करूंगी। आपने हमारा न्योता नहीं स्वीकारा, इस बात की हमें आपसे शिकायत भी रहेगी। हम ये जरूर चाहेंगे कि ये जो मीटिंग्स है ये मात्र पक्ष विपक्ष की ना रहे, एक ख्यालों का, एक हमारे काम का आदान प्रदान भी हो। तो हमें आशा है कि अपना स्कूल दिखाने के बाद आप हमारा स्कूल देखने जरूर आएंगे। आपने कल अपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जो कुछ बातें आपने कही, तो आपने कुछ सवाल और कुछ सवालिया निशान आम आदमी पार्टी के काम पर और रिजल्ट्स पर जरूर लगाए। आम आदमी पार्टी अपनी किसी भी जवाबदेही से वापस नहीं मुड़ेगी। आपने जो जो बातें कल रखी हम समझते हैं, हम जवाब देने को बाध्य हैं। आपका प्रमुख पॉइंट ये रहा कि आपकी नजर में अभी तक नहीं है कि किसी भी मुख्य रैंकिंग के अंदर दिल्ली का कोई स्कूल या शिक्षा प्रणाली आई हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी 2022-2023, जिसके अंदर देश के सभी सरकारी स्कूलों का आंकलन करा गया, शायद उसमें प्राइवेट भी होंगे। और आम आदमी पार्टी को बड़ी खुशी और गर्व है कि टॉप 10 स्कूलों में से 5 स्कूल आम आदमी पार्टी के थे, दिल्ली के सरकारी स्कूल थे। और उससे भी ज्यादा हम समझते हैं खुशी की बात यह है कि पहले और दूसरे स्थान पर जो स्कूल आए वो अरविंद केजरीवाल जी के ही स्कूल थे। तो रैंकिंग के अंदर आई होप हमने आपको किसी भी तरह से निराश नहीं किया होगा। दूसरी बात आई थी पास परसेंटेजेस के ऊपर। हमने एक सवाल उठाया था कि दसवीं में हरियाणा की पास परसेंटेज अराउंड 57% है, जो कि राष्ट्रीय एवरेज 87% से बहुत नीचे है। हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली की पास परसेंटेज 91.5% के करीब है, जो कि राष्ट्रीय एवरेज से ज्यादा है। और दिल्ली के लगभग 50% स्कूल जो है उनमें 90% से ऊपर है। और दिल्ली के अंदर 118 स्कूल ऐसे हैं जहां पे पास परसेंटेज 100% की है।
तो आपने इस पर कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी कोई ना कोई चालाकी करती है। आम आदमी पार्टी 9वीं में और 11वीं में बच्चों को फेल कर देती है और इससे उनके 10वीं में और 12वीं में नंबर बढ़ जाते हैं, तो ये थोड़ा तुक समझ नहीं आया। पहली बात तो इन हाउस रैंकिंग, क्यों आम आदमी पार्टी अपने बच्चों को 9वीं और 11वीं में फेल करेगी? कैसे किसी बच्चे को 9वीं और 11वीं में फेल करने से वो अगले साल उत्तीर्ण नंबर ले लेगा और बोर्ड की परीक्षा का आंकलन तो बाहर दूसरे टीचर्स के हाथों होता, तो इसके अंदर किसी भी तरह की धांधली नहीं हो सकती। फिर आपने बात कही कि हमारे रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, हरियाणा से 100 बच्चों ने नीट पास किया है, मतलब कुछ 29 या 26 बच्चे मेडिकल में गए हैं, कुछ IIT में गए हैं। मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहूंगी। आपने कहा था दिल्ली में तो सिर्फ 1000 स्कूल हैं, एग्जैक्ट आंकलन है 1250। और इन 1000 ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।